मतलब इस कहानी में एक तो यार एक जैसे अभी बात हुई थी, एक तो दोनों स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, मतलब दोनों वो एडजस्ट करने वाले बिल्कुल भी नहीं है और दोनों अपना स्टैंड लेना जानते हैं। और एक इसमें डिफरेंट ये प्रथा दिखा रहे हैं हम लोग, आटा साटा, जो कि नॉर्मली आई गेस नहीं दिखाया गया है आज तक। बस ये जो राघव का कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी इमोशंस वगैरह में, मतलब मेरे अकॉर्डिंग उसको दो ही चीज़ों का पता है, एक तो बहन से प्यार और एक बुआ की रिस्पेक्ट। उसके अलावा उसको कोई इमोशन ज़्यादा समझ नहीं आता, वो होता भी है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर चल रहे हैं उसके जो भी चल रहे हैं। और रियल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ, मैं दोस्तों से बहुत अटैच हूँ, अपनी फैमिली से बहुत अटैच हूँ, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। रीत एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है जो सच्चाई का साथ देती है हमेशा, चाहे उसके घर में भी अगर कुछ गलत हो रहा हो तो भी वो सच्चाई का ही साथ देगी। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इमोशनल भी बहुत है, अपने भाई से अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। और आई थिंक वो प्यार ही है, वो फैमिली की एक्सपेक्टेशन ही है जिसकी वजह से वो ये सौदे के लिए हाँ बोलती है, जो राघव ने उसे एज गारंटी के तौर पे अपनी बीवी बनाने के लिए बोला था, एंड शी अग्रीड बिकॉज शी लव्स हर ब्रदर सो मच। तो आपको वो उसके हर हर रूप देखने मिलेंगे, जहाँ वो इमोशनल है, जहाँ वो स्ट्रांग है, जहाँ वो लड़ भी रही है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रांग एंड ब्यूटीफुल कैरेक्टर रीत। ये प्रथा चली आ रही है लेकिन इसका नाम मुझे तो पहली बार पता चला। सेम। और बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, आटा साटा, सुनने में एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये कुछ लेन देन की बात है, तो ये सौदे की बात है। और इन दोनों के बीच में जो दो किरदार हैं, चारों जो हैं, इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एक ये राघव जो है, ये अपनी बहन के लिए, जो उसके लिए दिल से भी जान से भी ज़्यादा बढ़ के है, उसकी शादी ताकि वो खुश रहे, क्योंकि ऐसे घर में वो खुद पसंद करके शादी करने जा रही है, जहाँ मौके जिस वजह से भी कि उसकी बहन की चाहे खुशी रहे, इसीलिए वो अपनी खुशियों को साइड लाइन करके रीत से शादी करता है कि गारंटी वाली लेकर आता हूँ कि मेरी बहन को कोई तकलीफ ना हो। और इन चारों की लाइफ में तड़का देने के लिए, ताकि आटा साटा ना बने, ना बना रहे, ये लोग बनाए रखना चाहते हैं, मैं नहीं बनाए रखना चाहता, तो उसमें ये शारदा सूर्यवंशी आती हैं। तो ये आटा साटा का कॉन्सेप्ट है कि हम गारंटी लेते हैं कि दूसरा घर में हमारी बेटी सही रहे, और हमारे घर उनके घर से ये आता है कि हमारे घर में बेटी जो हमने दी है वो सही रहे। तो पेच कसने वाली बात है आटा साटा।